हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू स्पोर्ट्स यार्ड। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने बैट को कैसे नॉक कर सकते हो बिना किसी हैमर के, यानी घर पे बिना किसी हैमर के। तीन चार तरीके हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपको जानना है तो ये वीडियो पूरी देखना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा शुरू करेंगे। तो बैट को नॉक करने के जो तरीके हैं उनमें पहला तरीका है, उसमें हमें चाहिए सॉक्स, ठीक है, और चाहिए एक बॉल, ठीक है। और मेक श्योर कि जो आप बॉल यूज़ करो वो पुरानी हो। कभी भी बैट को नॉक करने के लिए नई बॉल यूज़ मत करना, क्योंकि इससे बैट हो जाएगा ख़राब, ठीक है। और आपको एक बैट चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। फिलहाल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला बैट, पुराना बैट है, पर आपको बताने के लिए सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ मैं कि कैसे करना है नॉक, ठीक है। समझ लो कि नया बैट है, उसको हम नॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे डालना है, ठीक है, इसमें, फिर उसको हाथ पे आप थोड़ा सा इस तरह से बेंड कर लो, ठीक है, थोड़ा सा इस हिसाब से कि आपके ऐसे आए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एजेस से, ठीक है। एजेस पे हल्का हल्का मारना है शुरुआत में, ठीक है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, आराम से, ठीक है। डायरेक्टली एजेस पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा साइड से मारना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है आपको एजेस पे कम से कम 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक करनी है, ठीक है। अब वो तब तक करनी है जब तक जो बैट के एजेस हैं, जो अभी शार्प है, वो राउंड ना हो जाए, ठीक है, हल्के हल्के राउंड, पूरी तरह राउंड नहीं, हल्के हल्के। फिर हम जाएंगे बॉटम की तरफ, यहाँ से ये पहले तो बॉटम के ये एरिया जो है इस एरिया पे मारना है हमें, ठीक है। ये एरिया को हम जब राउंड कर लेंगे फिर हमें आना है इस एरिया पे। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एक दो मिनट का काम है, बस हल्का हल्का मारते रहो, ठीक है। और उसके बाद आपको आना है इस एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे आपको लगेंगे 5 से 10 मिनट करते रहना है, बस ये नहीं सोचना है कि अगर राउंड हो गए तो हाँ भाई हमारा काम खत्म। और अब वो करते रहना है 5-10 मिनट तक, ताकि वो जो एजेस हैं पूरे राउंड भी हो जाएं और इक्वल हो जाएं, उठे हुए ना हो, कहीं से उठे हुए, कहीं से कम, कहीं से ज़्यादा, ऐसे ना हो, इक्वल करने आपको, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट में जो है ये एरिया भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम इस साइड के एजेस पे, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं मारना आपको, बस ऐसे यूँ मारना है हल्का हल्का, ठीक है, ऐसे मारते रहना है आपको, ठीक है। तो एज हो गए, ठीक है, इस पे भी आपको 15 मिनट देने हैं कम से कम, ठीक है। फिर अब हम आएंगे इस एरिया पे, एजेस के थोड़ा बगल में ये जो साइड का एरिया है इस ब्लेड पे, ठीक है। इस ब्लेड पे हमें थोड़ा थोड़ा तेज तेज मारना है, ज़्यादा तेज भी नहीं मारना, क्योंकि यहाँ से कई बार किस्मत खराब हो तो एजेस पे भी लग जाती है, तो वो एज उसी टाइम टूट भी सकते हैं, ठीक है। तो यही करना है, सेम चीज़ यहाँ पे आपको कम से कम 10-15 मिनट देने हैं, और फिर सेम चीज़ इस साइड भी करनी है, यहाँ पे भी आपको 10-15 मिनट देने हैं, ठीक है। ये एरिया हो गया, उसके बाद हम जाएंगे तो ये जो नीचे का जो बॉटम है उससे थोड़ा ऊपर एरिया, ठीक है। यहाँ पे भी ब्लेड जो होती है कुछ कमज़ोर होती है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी थोड़ा धीरे मारना है, ज़्यादा धीरे भी नहीं, पर थोड़ा सा, थोड़ा तेज मार सकते हो आप, ठीक है। तो इस हिसाब से करना है शुरुआत में। उसके बाद जब ये एरिया कर लिया है, इस पर आपने लिख दिए 10 मिनट, ठीक है, उसके बाद हम आएंगे इस एरिया पे, ठीक है। ये एरिया पे हमने अपना पूरा जोर लगा के मारना है, जितना आपके अंदर है उतना, ठीक है, ऐसे मारते रहना है। ये एरिया सबसे ज़्यादा टाइम लेगा आपका नॉक होने में, कम से कम मान लो 20 मिनट तो पक्के हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप नॉक कर सकते हो। तो पहली टेक्निक ये रही, ठीक है। दूसरी टेक्निक के बारे में जो बात करेंगे हम, तो दूसरी टेक्निक क्या है, एक सेकेंड, इस टेक्निक में भी हमें चाहिए एक बॉल और एक बैट, ठीक है। तो अब क्या करना है, बैट को सिंपल सी बात है, आपको बस ऐसे उछालना है, ठीक है, इस बैट को, बैट पे बॉल को उछालना है। इससे आपका फ़ायदा भी हो रहा है, आपकी आई साइड जो है, मतलब आपके जो कंसंट्रेशन है वो तो बढ़ी रहा है, ठीक है, साथ में आपका बैट भी नॉक हो रहा है, तो क्या नुकसान है, ठीक है। तीसरी जो टेक्निक है वो है, हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा, मान लो आपने ये उछालने वाली प्रोसेस कर ली, तो क्या करना है, बैट से यूँ मारना है, वापस आएगी कैच किया, फिर मारना है, फिर आएगी कैच किया, फिर मारना है दीवार पे लग के, वापस आएगी कैच किया, मारते रहो, कैच करो, ठीक है, ये होगी प्रोसेस, ठीक है। और अगली जो चीज़ है, अगर आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा, बोर फील कर रहे हो, बोरिंग, तो आप क्या कर सकते हो,
तो आप जाओ एक हैंगिंग बॉल लेके आओ, हैंगिंग बॉल पे प्रैक्टिस करो। तो जो सबसे पहला जो तरीका था सॉक्स वाला, वो सबसे इजी तरीका है, ठीक है, और बाकी उसमें सबसे कम टाइम लगेगा। ये जो उछालने वाला बताया मैंने आपको, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। और मेरे हिसाब से आपको अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा या तो आप हैमर ही ले आओ, यानी या तो उस पार सीधा, क्यों हैमर से टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, या तो आप रहो इस पार और हैंगिंग बॉल पे जाके प्रैक्टिस करो, ताकि अगर आपकी प्रैक्टिस में कुछ फ़ायदे ही हो जाए हैं। ये जो बीच